जी महोदय, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और माननीय मंत्री जी का ध्यान, जो वर्तमान में 12 लाख कर्मचारी कार्यरत हैं, उसके बाद 10 सालों से 5000 कर्मियों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हुई 5 साल पहले, और अभी तक जब आप देखेंगे तो उसमें ग्रुप ए 1965, ग्रुप सी बी 105, ग्रुप सी 2,48,895, ऑपरेशन सेफ्टी फ्री 53,178 पद खाली है। ये आपके जवाब हैं। मेरा आग्रह है कि जो ग्रुप सी या बी जो लोग हैं, ये समाज के बहुत अंतिम व्यक्ति जो अपने लाइफ के लिए एग्जिस्ट करता है, वह उनकी जीवन की सबसे आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले नियुक्ति पर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। रेल की सेफ्टी हो या किसी भी चीज़ों की व्यवस्था, उसमें नियुक्ति सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मंत्री महोदय, मेरा सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है वो है एग्जामिनेशन देने जाने वाले बच्चों के बारे में। जो बच्चे किसी भी तरह का एग्जाम देने बाहर जाते हैं, अपने जिले से, अपने स्टेट से बाहर खासतौर पर, मेरा आग्रह है कि उस बच्चों को कम से कम 75% रियायत के दर पर टिकट मिले। पेंशनधारी जो है, जिसको आप 300 से 400 ज्यादा पेंशन आप ओल्ड को नहीं देते हैं, पेंशनधारी को रियायत पर टिकट मिले। साथ साथ जो थिएटर के हमारे सबसे बड़े कलाकार हैं, जो गरीब घर से और मिडिल क्लास के परिवार से आते हैं, थिएटर करने वाले जो बाहर जाते हैं, उनको रियायत पर टिकट मिले। एग्जामिनेशन के टिकट पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब मैं अध्यक्ष महोदय, मैं कंक्लूड करूंगा। रेलवे में SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को, जो कमजोर वर्ग के हैं, जो सुविधा पे आपके यहाँ रोजगार मिलता है, तो उनको प्रायोरिटी दी जाए। रेलवे भाग में बैकलॉग जो है 2.5 लाख है, ये आप ही का जवाब है। और डेढ़ लाख पद ऐसे हैं जो रेलवे सुरक्षा जुड़े हुए हैं, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। मेरी आपसे आग्रह है कि इस पर काम किया जाए, बैकलॉग भरा जाए। साथ साथ रेलवे के लोको पायलट के जो है मान्यवर 14,429 पद खाली हैं। बहुत रेल दुर्घटना हो रही है, ज़्यादा अगर रेल लोको पायलट के पद भरे जाएंगे तो लोको पायलट पर दबाव कम होगा और उनकी सेवा शर्तों में अगर सुधार किया जाए तो ऐसा करने रेल हादसों में कमी आएगी। पहले SC ST के बच्चों को कोई पेपर रेलवे का होता था, उड़ीसा जाए कहीं जाए तो पास मिलता था मान्यवर, वो सरकार में बंद कर दिया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो फायदा होगा। रेलवे में स्लीपर कोच बढ़ाया जाए, गरीब आदमी उसमें सफर करता है और कई जैसे वीडियो आती है, देख के डर लग जाता है इस तरह से लोग बीच बीच के जो हैं, एक किस तरह का वो कर रहे हैं। हम बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, हमारा देश, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है, अगर ये काम भी हो जाए कि स्लीपर कोच बढ़ जाएं, तो भी बहुत लोगों को सफर में आसानी हो जाएगी। आर्थिक स्थिति बहुत लोगों की अच्छी नहीं है, इसका उदाहरण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बताते हैं कि 85 करोड़ लोग, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदगी बसर कर रहे हैं।